ये जोश फाउंडेशन जो कर रहे हैं, मतलब जो डेफ बच्चों के लिए हियरिंग एड्स दिला रहे हैं एटमोस के थ्रू, एटमोस एक कंपनी जो CSR के थ्रू फाइनेंस देते हैं, और जोश ये एक बहुत बढ़िया हियरिंग एड इन बच्चों को दिया है, और ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, और जहां हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, जहां हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं, और इस तरफ के माहौल जो अगर हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड यार, जो मतलब हियरिंग एड मिल सकते हैं तो वो बात भी कर सकते हैं आगे। ओके सर, हमने जब भी देखा है ऐसे कॉल से जो भी बॉलीवुड एक्टर जॉइन होते हैं वो पर्सनली भी बहुत प्रमोट करते हैं, और सोशल मीडिया हो या अपने से भी हो, आप भी ऐसा कुछ देखो मैं पर्सनली जो हम लोग पर्सनली करते हैं, मतलब चैरिटी के नाते पे हम लोग प्रमोट नहीं, उसमें ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बताना चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे किया फलाना किया, मगर हम लोग करते हैं अपने मतलब अपने हिसाब से जो हम कर सकते हैं, जहां हम लोग मदद कर सकते, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे इस तरह के फंक्शंस पे अगर हम लोग मौजूद हम लोग हाजिर हो सकते हैं तो इट्स गुड सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। बट अगर मैं चैरिटी कर रहा हूँ तो ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, अपने हिसाब से मैं करता हूँ, अपने लोगों के लिए मैं करता हूँ। ठीक है, आपने सुना होगा कि आरके स्टूडियो जो सेल होने जा रहा है, किसके आरके स्टूडियो जो सेल होने जा रहा है, बट अभी हरिप्रसाद चौरसिया जी ने कहा कि दिखना नहीं चाहिए क्योंकि एज इज इंपॉर्टेंट, मेरे को मालूम नहीं है। चलो आ जाओ, मैं इधर आ जाइए। ओके, तो मैम आज ग्लोबल कॉज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जोश फाउंडेशन है जो 100 ईयर्स के पैस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और एडुकेशन के लिए भी एक प्रोग्राम इनोवेशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे बहुत ही अवेकनिंग हुई है मुझे, और आई थिंक जो मैंने देखा आज वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग, दैट जोश फाउंडेशन एंड एटोस ने मिलकर एक चीज़ को डिफाई किया है। आई थिंक जो लोग जो कहलाते हैं डेफ एंड डम, अब वो डेफ एंड डम नहीं कहलाएंगे, बिकॉज नाउ दे कैन हियर एंड दे कैन स्पीक लाइक ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज मैंने यहाँ सुना और देखा अपनी आँखों से कि वो गा भी सकते हैं, मतलब उन डिजिटल हियरिंग एड्स की सहायता से वो गा सकते हैं, वो डांस कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, और उन्होंने क्या ब्यूटीफुल जूडो कराटे की परफॉर्मेंसेस दिखाई, एक्रोबैटिक्स करे, मतलब कहीं हम लोग भी इतना कर सकते जितना उन्होंने किया आज। सो सबसे पहले तो बिग हैंड टू द जोश ऑफ दीज चिल्ड्रन, और इनको एम्पावर करने वाले जोश और एटॉस हैं, तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां, बिग
बिग सल्यूट टू देम. सो आई थिंक टेक्नोलॉजी की सहायता से वी आर रियली अचीविंग अ लॉट. वी आर डिफाइंग थिंग्स विच कुड नॉट बी बिफोर. एंड आई थिंक सबकी सपोर्ट से, बॉलीवुड की सपोर्ट से, हम सबके यहाँ पे आने से पीपल विल गेट इंस्पायर्ड टू डू दिस मोर, टू सपोर्ट दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन मोर, एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल सोसाइटी एंड दे कैन नॉट बी लाइक एक्सट्रिकेटेड फ्रॉम सोसाइटी. एंड यू नो दैट्स ऑल आई वांट टू से. आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड एक्चुअली. Yeah. Okay, मैम, जब भी देखा कि बॉलीवुड सेलेब जब भी ये नोबल कॉज से जुड़ते हैं वो पर्सनल लेवल पे भी बहुत प्रमोट करते हैं एज अ नोबल कॉज को. आर यू गोइंग आल्सो गोइंग टू प्रमोट दिस इवेंट? आफ्टर टुडे फॉर श्योर. जो मैंने देखा अपनी आंखों से, डेफिनेटली जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि हियरिंग एड्स को मैं स्पॉन्सर कर सकूँगी, आई विल वॉन्ट टू द चिल्ड्रन हु आर अंडर प्रिविलेज एंड हु कैन नॉट अफोर्ड देम. आई थिंक वी शुड गिव देम दिस बून ऑफ ब्लेसिंग ऑफ लाइफ. इस जिंदगी की जो एक ब्लेसिंग है ये उनको देना, दे डिजर्व करते हैं, दे रियली डिजर्व. ओके, लास्टली मैम आपकी एक ओपिनियन जानना चाहूँगा. आपने सुना ही होगा कि आरके स्टूडियो सेल होने जा रहा है, बट हरिप्रसाद चौरसिया जी ने कहा कि ये स्टूडियो सेल नहीं होना चाहिए, इट्स एन आइकॉन ऑफ बॉलीवुड एंड मेनी फॉरेनर्स आल्सो विजिट टू दिस प्लेस. तो आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे कि या एक कैंपेन भी है, बिकने दें, हैशटैग बिकने नहीं दें, हैशटैग बिकने नहीं दें, क्योंकि इट्स अ मॉन्यूमेंट फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, अ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट जहाँ पे इंडियन बॉलीवुड की एक शुरुआत हुई थी और कुछ ऐसी फिल्में बनी जिसके वजह से जो हमारा देश जो है बॉलीवुड की वजह से ग्लोबल मैप पे आ गया. सो आई थिंक इतनी प्यारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं, यू कॉन्ट जस्ट सेल इट ऑफ लाइक दैट. सो आई थिंक बॉलीवुड शुड गेट टुगेदर, वी शुड डू समथिंग टू री इंस्टेट आर के स्टूडियोज एंड टू डू समथिंग टू लेट इट बी द वे इट इज. थैंक यू. इधर आ भाई, इधर आ, और इधर आ जा. गाइस रोले एक मिनट. हाँ चलो. मुकेश जी, टेल अस अबाउट योर थॉट्स, कैसा लगा आपको आज? मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्ची बात बताता हूँ. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सर. फाउंडेशन और 1000 मिलकर जो ऑर्गेनाइज किया है, इतनी सीरियसली हमने कभी सोचा नहीं है और ना ही हमारी सरकारों ने कभी इतना सीरियसली लिया है इन चीज़ों को, कि बच्चों की ये छोटी सी प्रॉब्लम जो है उनके लिए ज़िंदगी भर का प्रॉब्लम बन जाता है. और इसकी इनिशिएटिव लिया है जोश फाउंडेशन ने, तो मेरी दिल से इनको और एथोस को शुभकामनाएं बहुत सी. और एक चीज़ मुझे जो अभी अच्छी अभी जो पता चला है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, और हाथ जोड़ के मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूँगा कि आप इस तरह का कोई कानून या कोई सोच रखें. अभी मुझे पता चला कि फ़ौरन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हियरिंग का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है ताकि वहाँ पता चल जाए इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का सिलसिला हमारे भी हॉस्पिटल्स में शुरू होना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए. और जो नॉलेज अभी मुझे मिली है कि अगर बच्चों को 6 महीने 8 महीने बच्चों को पता चल जाए कि हियरिंग का प्रॉब्लम है, उसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है और बच्चा हमेशा के लिए निजात पा सकता है इस प्रॉब्लम से. तो मेरी सरकार को हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी और जितने भी लोग यहाँ आए उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस अच्छे काम में, और मुझे भी आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त हो गया. हर जगह हम लोग जाते रहते हैं लेकिन कभी कभी दिल से खुशी होती है कहीं आके, और मुझे आज यहाँ आके बहुत खुशी हुई और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा कि सर ने बताया कि हियरिंग इम्पेयरमेंट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर उनको सुलझाया जाए, अगर नहीं इलाज किया गया तो वो लायबिलिटी बनती है क्योंकि उनको बेचारा करके हम लोग सब छोड़ देते हैं. पर यही बच्चे को जैसे कि एक पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल किया जाए कि हर 2 साल के लिए, हम तो हमारे सेंटर में कर ही रहे हैं, इसको OAE टेस्ट बोलते हैं, तो बच्चे को अगर डिटेक्ट किया जाए विच इज़ वेरी इजी, तो 2 साल के पहले अगर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, हियरिंग एड दिया जाए या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी किया जाए, तो ये बच्चे ऐसे साफ बोलेंगे जैसे मैं और आप बोल रहे हैं, वो इतना अच्छा सुन सकेंगे और उनके लिए नॉर्मल स्कूल में जाना मुनासिब होगा, नॉर्मल एजुकेशन करेंगे और आगे जाके
खाली ये वेटर का नौकरी नहीं पर अच्छी तरह की नौकरी कर सकेंगे। तो हमारा जोश तरफ से ये है कि ये बच्चों के लिए हमें कोई सिंपति नहीं चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा काम होता है तो उनको सपोर्ट करने के लिए डोनर तो तैयार है। हम ये कहना चाहते हैं कि हर एक स्कूल में, हर एक जगह पे अगर डिजिटल रिवॉल्यूशन जो चल रहा है उनका लाभ ये बच्चों को मिल जाए तो हर एक स्कूल के हर एक बच्चे ये नॉर्मल भाषा में बोल सकेगा, उसकी कैरियर बन जाएगी और अगले 10 साल में हम ये कह सकेंगे कि इंडिया इज़ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। जैसे मलेरिया, टीबी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम चाइल्डहुड में होता है पर उसे हम क्योर किया जा सकता है। तो सरकार से भी ये गुंजाइश है और हमें खुशी है कि हमारे साथ आज बॉलीवुड स्टार भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने ये जाना कि उनकी वजह से उनकी जो मस्करी होती है वो भी कम हो जाएगी और कॉरपोरेट सेक्टर जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गवर्नमेंट ने जो 2% लगाया कंपलसरी वो अच्छी बात है। वो इसीलिए नहीं खर्चा कर रहे हैं कि 2% के उनका हो जाए, पर ये इसलिए खर्चा कर रहे हैं और वहीं पर खर्चा कर रहे हैं जहाँ से उनको लगे कि उनको फ़ायदा होगा और बच्चे का भविष्य बनेगा। तो ऐसा विचार जो गवर्नमेंट ने रखा है वैसा ही विचार से हर एक स्कूल को अगर अडॉप्ट किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ये हियरिंग इम्पेयरमेंट कोई प्रॉब्लम रहेगी। और कभी भी जैसे कि चश्मे वाले को कोई हैंडीकैप नहीं गिनता है वैसे हियरिंग इम्पेयर वाले को कोई भी कभी भी हैंडीकैप नहीं गिनेगा क्योंकि उनके वो कह सकते हैं कि हम किसी से कम हैं। आज आप सब यहाँ पे आए और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया इसलिए जोश फाउंडेशन की तरफ से सारे मेहमान और सारे बच्चे, सारी मीडिया सबका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके मुकेश सर, आपसे एक ओपिनियन चाहिए। आपको सुनिए हो कि आज के स्टूडियो बट आज आर के स्टूडियो नहीं यार, मुझे लगता है ये बड़ी बहुत बड़ी आपके ओपिनियन जानना था। बहुत जन कह रहे हैं नहीं बिकना चाहिए बॉलीवुड, तो देखिए ये आर के स्टूडियो फैमिली की प्रॉपर्टी है, फैमिली की चीज़ है, उसके जो भी निर्णय हैं उस फैमिली के हैं। हम कैसे सोच लें कि उनका क्या रीज़न है, क्यों वो चाह रहे हैं इस तरह की चीज़ हो जाए, अगर वो बेचना चाह रहे हैं तो ये फैमिली का डिसीजन है। मैं सोचता लेकिन यस मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भले ही जो भी फैमिली डिसीजन ले ठीक है, लेकिन उस चौक का नाम एटलीस्ट आर के स्टूडियो के नाम पर उस चौक का रहना चाहिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अभी एक मिनट सर, व्हाट यू टू से अबाउट बीइंग एसोसिएशन विद जोश फाउंडेशन, इतना अच्छा इनिशिएटिव है, इतने सारे इनिशिएटिव इज डन बाय एटोस एंड जोश फाउंडेशन, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द इवेंट? या सो हम एज ए एटोस फैमिली कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, लेकिन जब जोश के साथ हमारी मुलाकात हुई करीब एक सवा साल पहले, देन हमको पता चला कि ये ऐसा काम करते हैं जिसमें बच्चों की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, नॉट ओनली बच्चों की बट उनके फैमिली की, उनके पेरेंट्स की, आगे चल के उनके वाइफ की और बच्चों की भी बहुत लाइफ चेंज हो जाएगी। और इसीलिए हमने उनके साथ कोऑपरेट करने का डिसाइड किया एंड देन वी डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन एंड व्हाट अबाउट द फ्यूचर एंड विजन फॉर सपोर्टिंग दैट? इट्स मोर देन अ ईयर नाउ एंड वी विल गो लॉन्ग टर्म विद दिस फाउंडेशन। हम ये भी सोच रहे हैं कि आगे चल के इस बच्चों का एजुकेशन क्या हो रहा है वो ट्रैक करेंगे और इवन इफ़ वो लोग 100% कॉम्पिटेंट नहीं है देन ऑल्सो वी विल एडॉप्ट दोस चिल्ड्रन और उनको जॉब देंगे और देखेंगे कि उनका लाइफ बन जाए और हम एज ए अटोस मदद करें सोसाइटी में बच्चों को ऊपर लाने की। हम लोग एटोस में 2009 से CSR सपोर्ट कर रहे हैं और कई एरियाज़ में उन्हें सपोर्ट किया, स्किल डेवलपमेंट में, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन स्किल डेवलपमेंट और उसके अलावा ऑर्फनेज, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप कंपनीज। और ये पहला हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने हियरिंग एड बच्चों को दिया कि बच्चों को ये कभी ना लगे कि वो बेकार है ज़िंदगी में। और हमने एक ऐसा ग्रुप तैयार किया ये देने के बाद कि जो अपने हिंदुस्तान के तरक्की में कुछ सपोर्ट करें और अपने आप को भी कॉन्फिडेंट फील करें। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये न समझो गमे दौरान से परेशान हैं हम, वक्त से आँख मिलाना भी हमें आता है, यूँ तो खुशबू से कुछ आर नहीं है लेकिन गम को सीने से लगाना भी हमें आता है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।